पुलिस को एटीएम के जरिए धोखाधड़ी कर भोले भाली जनता से पैसा ऐंठने वाले युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। कोतवाली गाजीपुर पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है कि एटीएम कार्ड का नंबर व पासवर्ड जनता से धोखे से पाकर ठगी करने वाले ग्रुप के सदस्य दिल्ली जाने के लिए गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रेलवे स्टेशन के सुलभ शौचालय से अभियुक्त अभय चौहान पुत्र शिवनंदन चौहान निवासी तुपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना मऊ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कप्तान यशवीर सिंह ने मीडिया के सामने अभियुक्त को पेश करते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त अपने साथियों के साथ राहुल चौहान व अविनाश चौहान निवासी कुतुबपुर मोहम्मदाबाद गोहना मऊ के साथ मिलकर बिहार झारखंड दिल्ली हरियाणा झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के बलिया मऊ आजमगढ़ गाजीपुर में घूमकर मोबाइल के जरिए भोली भाली जनता से धोखाधड़ी व भ्रमित कर धोखे से उनका बैंक अकाउंट एवं पासवर्ड प्राप्त कर लेते थे। उसके बाद खाते से ऑनलाइन शॉपिंग कर उसको औने पौने दामों में सामान बेच दिया करते थे। मिली रकम को आपस में मिलजुल कर बांट लिया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त ने इससे पहले गाजीपुर कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के दर्ज मुकदमे में गुनाह स्वीकार किया। पुलिस कप्तान ने बताया संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है और इसके अन्य साथी की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस ने 7 अदद मोबाइल अलग अलग कंपनियों के 3 अदद एलईडी टीवी 1 अदद लैपटॉप 1 हेयर ड्रायर 5 अदद एटीएम कार्ड 4 अदद चेकबुक एलआईसी बॉन्ड व आईडी प्रूफ बरामद कर लिया है। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट एसकेएस न्यूज। शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजन इत्यादि जो वेबसाइट हैं उनसे दूसरे के एटीएम पर ये लोग शॉपिंग करते हैं और जो उससे माल बरामद होता है उसे बेच के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने पकड़ा है। इसके पास से